लिया। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुशामदी है मेरे चैनल में आने के लिए। मेरे चैनल का नाम है रहमान इंडियन ब्लॉगर। तो आज नमाज से फारिग हुई मैं 2 बजे। तो मैं घर पर पढ़ती थी, तो आप लोग पूछेंगे पहला तो सर आपके घर पर क्यों नहीं पढ़ रहे। तो हमारे घर में 3rd फ्लोर का काम चल रहा है, तो डिस्टर्बेंस बहुत हो रहा है। इससे पहले मैं 11 मंगल के 10 सर पे वीडियो मेरे फ्रेंड्स में को व्हाट्सएप पे मैसेज और नॉर्मल कॉल करे थे कि बहुत अल्लाह उसमत के दसर पे बहुत आवाज़ आ रही है और डिस्टर्ब हो रहा है। तो इंशाल्लाह इसलिए मैं नाजमा जी की बहन जी के घर पर मेरा पहला दसर है और मेरे साथ वो लोग का भी पहला दसर है। तो वो लोग भी इनको मानते हैं ये दसर को, तो वो लोग भी को भी फायदा है, फ़ायदा होता हुआ करते। तो इस वजह से वो लोग का भी पहला दसर है और मेरा भी पहला दसर है। तो वो भी नमाज के पाबंद है, मैं भी नमाज की पाबंद हूँ। तो इंशाल्लाह ताला आज मंगल का दिन है। मंगल के दिन क्या पढ़ते हैं आप लोग को मालूम है? अगर नहीं मालूम है तो फिर से एक बार बता दूंगी कि एक मुट्ठी दूध शरीफ पढ़ना है, उसके बाद अल्लाह समत पढ़ना है। जैसा ख़त्म होने पे एंड ख़त्म होने पे जब 20 जो बचते हैं उसके बाद, या एक मुट्ठी या गनियों पढ़ना है, उसके बाद दूध शरीफ पढ़ कर सरकार के नाम से तो वो शक्कर मासूम बच्चों को खिला सकते हैं। तो मासूम बच्चे यहाँ पर नहीं है, वही शक्कर से मैं चाय बना के जितने भी लोग दस्तर पर पढ़ने आते हैं, यानी कि मेरे घर की फैमिली जो मेम्बर है वो लोग चाय के आ जाते, तो वो लोग को चाय में डाल कर तबूत के सरकार पिला देते। तो इंशाल्लाह पहला मंगल हमारा दस्तर है और मौलाना मोहम्मद एक एक इंच पर पढ़ कर उसके बाद अल्लाह समझ कर दस्तर शुरू करते, बात ख़त्म या गनी हो पढ़ के फिर दूध शरीफ पढ़ कर दस्तर एंड करते। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट करो, न्यू है तो सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा वीडियो वायरल करो। तो लोग दस्तर नमाज नहीं पढ़ कर दस्तर पर बैठते, ऐसा नहीं चाहिए। अल्लाह को खुश करने के लिए पहले क्या करना चाहिए? नमाज पढ़ना चाहिए। नमाज के बाद तिलावत के बाद आप जिक्र का दस्तर पढ़ते, जैसे कि मंगल जुमेरात जुम्मा पीर, कौन सा बोलो दस्तर आप लोग पढ़ सकते। अगर समझ में नहीं आता तो मेरे को कॉल कर लेना, नहीं तो मैसेज करना, मैं इसका रिप्लाई ज़रूर दूँगी। तो वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकअल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।